और चने की दाल भिगो दी थी। बंद कर दी है तो इसकी मैं एक ले लेती हूँ। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और अभी टाइम बता देती हूँ, 8:45 हो गई है। उठी तो थी वही, आज तो बिल्कुल सारी रात, मतलब ये लगा लो कि ना लकी सोया ना लकी ने मेरे को सोने दिया है। दो बार तो रात को उठ के तीन बार इसको सुसु करवाया और अभी भी नहीं सो रहा है। पता नहीं क्या बेचैनी हो रही इसको। तो अभी जो है मैंने 1 घंटे का वर्कआउट कर लिया है और हस्बैंड जी 5 बजे चले गए थे, उसके बाद मैं सोई नहीं। 2 वीडियो की एडिटिंग की और कुछ देर इसके पास, लकी के पास, इसको सिर को ना ऐसे मतलब थोड़ा सा ना प्रेस दे के और ऐसे ऐसा ला रही थी तो इसको बड़ा चैन मिल रहा था। तो अब का ऐसा, और साथ साथ मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी थी जो कि ये कपड़े हो गए हैं, तो इनको मैं बाहर सुखाऊंगी। और 5 बजे पी थी हस्बैंड के साथ थोड़ी सी चाय घी डाल के, और अभी मैंने ली थी ब्लैक कॉफ़ी, मतलब वर्कआउट करने से पहले। तो अब का सीन ये है, और ये पर्दे मैंने सारे हटा दिए हैं, ये देखो पूरी रोशनी आई हुई है। और ये लकी है, और यहाँ इसकी पेडिग्री रखी है, ब्रेड भी दे ली, बिस्किट भी दे लिया, अब इनको उठा कर डस्टबिन में डालना पड़ेगा। और ये पेडिग्री है, ये इसने खाई नहीं। तो अब का ये सीन है। तो यहाँ की जो फाइबर की जो चादर मैंने लगा रखी थी ना, वो 2-3 दिन पहले हटा दी थी। अब सूर्यदेव जब इस थोड़ा सा अब इस साइड में थोड़ा सा ऐसे आएंगे ना, तो पूरे घर में गुड मॉर्निंग बोलने, मतलब यहाँ से लेके और पूरे ये नीचे जीने तक धूप जाएगी। और अब जब इधर से ऐसे करके जाएंगे ना तो उधर से आएगी, फिर थोड़ा ऐसे जाएंगे तो इधर से और दरवाजे से आ जाएगी। तो ये सीन रहता है पूरा दिन सूर्यदेव का। तो हेलो हाई करने पूरा दिन घर में घूमता रहता है। तो अभी थोड़ी सी तो एक्सरसाइज मैं और करूँगी, मतलब गर्दन वाली एक्सरसाइज और करूँगी, और फिर मैं सुखाऊँगी बाहर कपड़े। तो ऐसा कुछ है। और अभी 9:15-9:30 के आसपास दूध वाले भैया आ जाएंगे। तो बाकी मेरा झाड़ू पोछा काम मेरा कोई नहीं हुआ है। तो ये सीन है। देखो आज मैंने पता है क्या किया रात को ना, सबसे पहले बता दूं चाय बना रही हूं मैं, और इसमें मैंने थोड़ा घी डाल लिया। अब मैं बताती हूँ, मैं सो गई बहुत टाइम के बाद, दिन में सोई हूँ। कैसे सोई? रात को ना लकी ने मेरे को सोने नहीं दिया, पूरी रात ना खुद ही सोया ना मेरे को सोने दिया। अच्छा हस्बैंड सो रहे थे ना, उसकी साइड में बेड पर जा रहा तो उठेंगे ही नहीं, और कुछ उनकी उनको ना तो वो बुखार था। अब फिर घूम के फिर मेरे पास आ जाता, फिर मेरे को ऐसे नींद नहीं आती पूरी रात। 3 बार तो मैं उठ के इसको सुसु करवा के लाई, और ये इसके सिर को ना ऐसे ऐसे सहलाती रही। तो अभी मेरे को आ गई नींद, बल्कि एक ना टीवी में टॉपिक देख रही थी, इंटरेस्टिंग टॉपिक था, फिर मैंने सोचा
सवेरे जल्दी भी उठते हैं, 4:15 बजे के आसपास उठते हैं, और आज तो मैं सोई ही नहीं, तो ना कभी तबीयत ना खराब हो जाए, क्योंकि पूरी रात ना सो, कल दिन में भी नहीं सोई, आज पूरी रात भी नहीं सोई, और सुबह जैसे हस्बैंड मिले ना तो मुझे बहुत जोर से नींद आ रही थी, तो हस्बैंड जी बोल भी रहे थे कि सो जाओ प्लीज, मैंने कहा नहीं सोगी तो फिर मेरा काम नहीं होगा, मतलब जो एडिटिंग वगैरह करनी है वो नहीं होगी, तो फिर मैं तब भी नहीं सोई। अच्छा ये सोने भी नहीं देता और अब सो रहा है, ये दोपहर तक ये भी नहीं सोया, अब ये सो रहा है। अभी मैं ना दिखाती हूँ, एक ना ब्रेड तोड़ कर वो खिलाने की कोशिश की थी, तो एक बार तो सूंगी और फिर मुँह फेर लिया, फिर वो उसके सामने रख दी, मैंने कहा जैसे कल भी मैंने ऐसे किया था, खा नहीं रहा था, उसके सामने ना इतना सा टुकड़ा तोड़ के और उसके सामने रख दिया, फिर खा लिया, फिर मैंने इसको है ना वो खा लिया, फिर दो ब्रेड और खिलाएंगे तो, लेकिन आज नहीं खा रहा, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो कितना कमजोर हो गया ना, बिल्कुल ही एकदम ही बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया, अब सो रहा है ये, मतलब सो रहा है फिर उठ जा रहा है, फिर सो रहा है फिर उठ जा रहा है, ऐसा करके कुछ है। तो मैं अभी, अच्छा बीच में ना देवरानी की कॉल भी आई थी, पर मतलब उठाने की बजाय, मतलब उठाने की बजाय नीचे कर दिया वो कट गया, और मैं नींद में थी, अब मैंने देखा किसकी कॉल थी, तो अब करूँगी, वो ना आने के लिए बोल रही होगी कि दीदी मैं आ जाऊँ फ्री हो, और फिर बेचारी ये कहेगी ये सोचे मेरा फ़ोन काट दिया, पर उसको पता है जैसे मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ ना तो उस टाइम काट देती हूँ, तो या तो वो समझ गई होगी कोई कस्टमर आ रही है या फिर दीदी एडिटिंग कर रही है, पर उसको ये होता है कि कॉल बैक कर लेती, आज मैं कॉल बैक करी नहीं, तो मैं अभी कॉल बैक करके उनसे पूछती हूँ क्या बात है, कोई ज़रूरी काम तो नहीं था, क्योंकि वो ना हेल्थ चेकअप करवाने गई थी 3 दिन पहले, तो मैंने उससे पूछा नहीं है, तो उसको ये होता है कि दीदी ने क्या बात पूछा नहीं मेरे से मैं उसको पूछती रहती हूँ, तो अभी ये चाय पीती पीती ना उससे पूछूंगी, तो मैं वहाँ बैठ के और टीवी भी ऑन करूँगी, क्योंकि उसी टॉपिक पे ना फिर से जाऊँगी, वो ना टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा था टीवी में, और वो देख रही थी मैं, बेसिकली आज मैंने एक कमीज की कटिंग भी की है, मैंने मशीन रखनी थी, पर वो टॉपिक के चक्कर में ना फिर मैंने सोचा मगर कल सिल लूंगी, एक सूट और काटना था वो भी ऐसे ही रखा हुआ बेड पे, तो अब तो तलन साहब आने वाले हैं, 4 बज गए हैं, तो आधा पौना घंटा उनके आने में, तो अब तो मैं कल करूंगी उनका काम। तलन साहब बल्कि आके और मार्केट चले गए थे, कोई काम था उनको, तो अभी यहाँ पे मैंने ना 2 घंटे पहले ये चावल और चने की दाल भिगो दी थी, और इसी का ना बहुत ही बढ़िया एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बना के दिखाती हूँ आप लोगों को, और आप लोग भी ये बना सकते हो, और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब सुपर से भी ऊपर हेल्दी ये ब्रेकफास्ट बन के तैयार हो जाएगा, जो सब्जी बच्चे ना खाते हो ना वो इसमें डाल सकते हो, तो इसका पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो काइंडली जुड़े रहना मेरे साथ। तो इसको ना एक फाइन पेस्ट बना लेनी है, और कुछ जो सब्जी मैं डालूंगी ना वो बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ, तो इसकी पूरी तैयारी कर लेती हूँ, फिर मैं बताऊंगी इसको कैसे बनाना है। अब यहाँ पे हरी मिर्च काट ली है बारीक बारीक, क्योंकि ये मैं डालूंगी अब अपने में, तलन साग को तीखी नहीं चाहिए, और ये हरा धनिया है, और इसमें मैंने तो डाल ली है एक तो जो मैं दिखाती हूँ, ये जो अचार वाली मिर्च होती है ना थोड़ी खट्टी खट्टी होती है ये डाली है, और शिमला मिर्च, और इसमें प्याज डाले हैं, आप कोई भी सब्जी डाल सकते हो जो आपको पसंद हो, आपके बच्चों को पसंद हो, या जो सब्जी बच्चे ना खाते हो वो इसमें ऐड कर सकते हो, और इसकी फाइन पेस्ट बना ली है। अब यहाँ पे नमक, कसूरी मेथी
और धनिया पाउडर और ये जो है मैजिक मसाला है मैगी का, तो ये डालूंगी और कड़ी पत्ता डालूंगी। अब उसके बाद इनो सॉल्ट डालूंगी। इनो सॉल्ट नहीं है आपके पास है, तो बेकिंग सोडा होता है ना, सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं सोडा, वो डाल लेना है। तो मेरे पास ये है तो मैं ये डालूंगी। और इसको आप बटर में बना सकते हो, देसी घी में बना सकते हो, किसी भी ऑयल में बना सकते हो। तो ये हो गया है पूरी प्रिपरेशन। और ये कास्ट आयरन का जो तवा है, और मैं थोड़े से ऐसे छोटे छोटे ना शेप वाले बनाऊंगी। तो एक गोल और था, वो पता नहीं मुझे मिला नहीं, कहाँ रख दिया मैंने, बिल्कुल गोल था। तो बाकी अभी इसमें कड़ी पत्ता और तोड़ के लिए कहती हूँ बाहर से, वो डालूंगी। और बाहर बहुत सारे कपड़े धो रखे, वो सुखा रखे, वो भी उतारूंगी। तो पहले मैं इसकी तैयारी करती हूँ, क्योंकि तैलान साहब लकी को लेके गए हुए हैं ऊपर, और आते उनको चाय चाहिए। बारीक बारीक इसी मसाले में काट देंगी। और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और धनिया पाउडर और ये नमक और अच्छा ये है ना हमारा आज का डिनर बन जाएगा। और इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे। हाथ पे क्रश करके और फिर डालनी है। अब इनको मैं साथ साथ समेट देती हूँ ताकि किचन में जो है खिचविच ना हो। ये हो गया है भाई। और अब ये जो धनिया है ये इसमें डाल देंगे थोड़ा सा। कर देंगे ऑन और इस पर लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल, बिल्कुल जरा सा ही लगाऊंगी, ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। और मैं बना रही हूँ मस्टर्ड ऑयल में, आप की अपनी चॉइस है, आप इसको बटर में भी बना सकते हो। डाल देंगे फ्रूट सॉल्ट और इसको मिक्स कर लेंगे। अब मेरे पास तो देख ये कुकी कटर है, अगर आपके पास नहीं है तो आप पूरे तवे पर भी ऐसे डालकर और बना सकते हो। और अब इसको ढक दूंगी ऐसे करके। ये देखती हूँ ये ऐसे है ना, मैं कुकी तो बनाती हूँ ऐसे, और मिठाई भी है इसमें कुकी कटर में मैं बना लेती हूँ, लेकिन ये जो है ये मैं पहली बार बना रही हूँ। अब देखते हैं ये कैसे बनेगा। अब ये देखो ये कितना बढ़िया कलर आ गया है। अब इनको कर देते हैं साइड में, ये धीरे धीरे पकती रहेंगी। और अब यहाँ पे कुछ मैं बनाती हूँ ऐसे ही, और ये ना स्टीम करके भी आप बना सकते हो।
और अप्पे मेकर में भी आप इसको बना सकते हो। अब इसमें डाल देती हूँ ये हरी मिर्च, और ये देखो, और ये ठंडे होने के बाद मैं इसमें से निकाल लूंगी और थोड़े से और हो जाएंगे ये अच्छे से। ये देखो, ये तो मैंने पहली बार ट्राई किए हैं, ये अक्सर बनाती रहती हूँ, बस ये मैंने ट्राई किए हैं। कैसे बनेंगे ये, इसमें खाली शेप देने के लिए, जैसे बच्चों के लिए बनाते हैं ना, तो उनको ना ये जो चीजें ना ये अच्छी लगती हैं। अब इनको उठा लेते हैं, इनको देखते हैं पलटने के हो गए या नहीं। और सिमर पे मैं इनको बना रही हूं, कराया कुछ खत के में है ये ना करेगा कुछ। तो ये देखो, ये जो नाश्ता है ना ये बन के रेडी हो गया, नाश्ता क्या ये हमारा डिनर बन गया है। तो काफ़ी लेट हो गए, यानी 6 से ऊपर टाइम हो गया, और इतना हैवी नाश्ता करने के बाद तो भूख लगेगी नहीं। और वैसे तो खैर ये लाइट है क्योंकि बहुत सारी वेजेज इसमें डली हुई हैं, और बिल्कुल फ्रेश जो है ये नाश्ता बन के तैयार हो गया है। तो अभी पहले मैं तलाद साहब को दे दूंगी, और फिर मेरा जो मिर्च डाल के जो मैंने बनाए ना वो तवे पे सिक रहे हैं। अब ये देखो ये कितना बढ़िया लग रहा है, और बच्चों के लिए ना ये बहुत ही एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट बन के तैयार हो जाता है, और अचानक कोई मेहमान आए तो भी उनको बना के खिला सकते हो। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हुआ है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का यहीं एंड करती, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक क्या करना, अपने और अपने परिवार को का ढेर सारा ख्याल रखना है। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय। तो ये हो गया है भाई रेडी, और ये तलन साहब को दे देती हूँ, यहाँ पर गैस बंद कर दी है।